हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे 30 डेज टू ए मोर पावरफुल वोकैबुलरी और उसमें हम कर चुके थे चैप्टर नंबर 6 और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 है वर्ड यू पावर हम कर चुके थे और अब आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में वर्ड्स अबाउट थ्यूरीज। वर्ड्स अबाउट थ्यूरीज हमारा पेज नंबर 49 पे, तो हम चलते हैं पेज नंबर 49 पे। तो पेज नंबर 49 पे हम आ चुके हैं वर्ड्स अबाउट थ्यूरीज। तो वर्ड्स अबाउट थ्यूरीज में देखते हैं हमारे कितने वर्ड्स हैं। वर्ड्स अबाउट थ्यूरीज में हमारे टोटल 11 वर्ड हैं। टोटल हमारे कितने वर्ड हैं, 11 वर्ड है। तो हम ये 11 वर्ड करने वाले हैं वन बाय वन। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को कम्प्लीट देखना और कॉपी पेन लेके साथ में बैठ जाइए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो चैप्टर का नाम है वर्ड्स अबाउट थ्यूरीज। चैप्टर का नाम मैंने यहाँ पे लिख लिया है वर्ड्स अबाउट थ्यूरीज। तो फर्स्ट वर्ड जो मेरा दे रखा है वो एथिस्ट। एथिस्ट क्या होता है? एथिस्ट होता है जिसको भगवान में बिल्कुल भी यकीन ना हो, जो भगवान में यकीन ना करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, एथिस्ट। तो लिखिए वन हु डज नॉट, वन हु डज नॉट बिलीव इन, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। जिसको भगवान में यकीन ना, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम एथिस्ट। एथिस्ट क्या होता है, जिसको भगवान में यकीन ना हो, मतलब जो नास्तिक होते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, एथिस्ट कहेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं एथिस्ट के सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे। सिनोनिम लिखे साथ साथ, सिनोनिम एथिस्ट के क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको, देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चनर, क्वेश्चनर, पैगन, पैगन हो जाएगा, इन्फिडल और फ्री थिंकर, और यहाँ पे हो जाएगा स्केप्टिक, और हो जाएगा यहाँ पे एग्नोस्टिक। तो एथिस्ट की ये सारे सिनोनिम आपको देखने को मिल सकते हैं, एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो कर लीजिएगा इनको रिवीजन। ये इसका हो जाएगा एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक भी क्या होता है, जिसको भगवान में यकीन ना हो। तो ये था एथिस्ट। एथिस्ट के सिनोनिम क्या क्या होंगे, देखो एक बार रिवीजन करा देती हूँ। क्वेश्चनर, पैगन, इन्फिडल, फ्री थिंकर, स्केप्टिक, एग्नोस्टिक। तो ये हो जाएंगे सारे एथिस्ट के सिनोनिम्स। तो नेक्स्ट वर्ड है 7 नंबर पे, एग्नोस्टिक। सेकेंड वर्ड है एग्नोस्टिक। तो एग्नोस्टिक क्या हो जाएगा, देखते एग्नोस्टिक होता है, देखो मैंने एग्नोस्टिक यहाँ पे एथिस्ट के सिनोनिम में कराया है। मैंने बताया था जो एथिस्ट का जो हमारा सिमिलर होता है एग्नोस्टिक। तो एग्नोस्टिक भी क्या हो जाएगा, जो जिसको भगवान में यकीन ना, उससे सिमिलर होगा। ये होता है कन्फ्यूज्ड अबाउट गॉड। जो गॉड को लेकर, जो गॉड भगवान को लेकर कन्फ्यूज रहता है कि भगवान होते हैं नहीं होते, भगवान एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, जिसको भगवान में यकीन नहीं है, एक तरह से बोल सकते हैं उसका सिमिलर है, जो जिसको गॉड को लेकर कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो ये लिखो सिंपल वर्ड, सिंपल शब्दों में लिखवा देते हैं। ए पर्सन हु इज नॉट श्योर, हु इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट। उस ऐसे इंसानों को हम क्या कहेंगे, ऐसे इंसानों को कहेंगे हम एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक क्या कौन सा इंसान होगा, एग्नोस्टिक होगा जो भगवान को लेकर कंफ्यूज है कि भगवान होते हैं नहीं होते। तो इस तरह के इंसान को क्या कहेंगे, इस तरह के इंसान को कहेंगे हम एग्नोस्टिक। क्या कहेंगे, एग्नोस्टिक। अब देखो इसके सिनोनिम देखेंगे क्या क्या होंगे, देखिए सिनोनिम। तो सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, सिनोनिम देखो, वैसे मैंने आपको बताया था ये एथिस्ट के सिमिलर होता है, तो एथिस्ट के जो जितने भी सिनोनिम होंगे वे सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। लिखिए डिसबिलीवर, एथिस्ट के जो सिनोनिम होंगे सारे सारे एग्नोस्टिक के सिनोनिम हो जाएंगे, और जो एग्नोस्टिक के सिनोनिम है वो सारे के सारे आपके एथिस्ट के सिनोनिम हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा डाउटर, इनफिडल, स्केप्टिक और अनबिलीवर। अनबिलीवर हो गया, उसके अलावा एथिस्ट, एथिस्ट हो जाएगा एंड पैगन हो जाएगा यहाँ पे।
देखो ये मैंने वो करा एथिस्ट, एथिस्ट क्या हो जाएगा जिसको भगवान में यकीन ना हो, और एग्नोस्टिक क्या हो जाएगा, एग्नोस्टिक होता है जिस जो भगवान को लेकर कंफ्यूज है कि भगवान होते हैं नहीं होते हैं। नंबर 3 पे देखते हैं थर्ड वर्ड, नंबर 3 पे थर्ड वर्ड आता है फैटलिस्ट, नंबर 3 पे है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट क्या हो जाएगा, फैटलिस्ट हो जाएगा भाग्यवादी। फैटलिस्ट क्या होगा, फैटलिस्ट होगा भाग्यवादी, मतलब भाग्यवादी क्या हो जाएगा, जो सब कुछ भाग्य के भरोसे है, मतलब जिसको लगता है कि, जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, एक टैक्सी ड्राइवर है, सोचो सपोज और एक टैक्सी ड्राइवर है, वो सीट बेल्ट नहीं लगाता, उसकी सोच उसका मानना ऐसा है कि अब मैं सीट बेल्ट लगाऊँ या लगाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे साथ दुर्घटना होनी है तो होकर रहेगी। उसकी सोच ऐसी है, उसने सोच कैसे बना रखी अपनी कि जो होना है वो होकर रहेगा, चाहे मैं उसके लिए कितना भी कुछ कर लूँ, चाहे मैं सीट बेल्ट लगाऊँ या ना लगाऊँ, लेकिन जो दुर्घटना होनी है होगी रहेगी, मुझे जो सीट बेल्ट है वो दुर्घटना से नहीं बचा सकती। तो ऐसी सोच वाले इंसानों को क्या कहेंगे, फैटलिस्ट कहेंगे। देखो एनीवन एनीवन हु सबमिट्स टू द बिलीफ, एनीवन हु सबमिट्स टू द बिलीफ दैट दैट दे आर पावरलेस टू चेंज देयर डेस्टिनी। उनको लगता है कि उनके पास पावर ही नहीं है कि वे चेंज कर पाए अपने भाग्य को, सब कुछ जो करेंगे वो गोड ही करेंगे। तो इस तरह के जो सोच वाले इंसान होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे हम फैटलिस्ट। उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे हम फैटलिस्ट। देखिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा बुक पे, नंबर 4 पे इगोइस्ट। नेक्स्ट है इगोइस्ट, देखो इगोइस्ट रे वो सुना होगा, वो मतलब आई मतलब सेल्फ मतलब मैं ही मैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो क्या हो जाएगा, इगोइस्ट होता है। आप लिख सकते हैं सिंपल वर्ड में सेल्फिश, जो सेल्फिश होते हैं इंसान, स्वार्थी होते हैं, घमंडी होते हैं, वे क्या होते हैं, सारे इगोइस्ट होते हैं। और क्या बोल सकते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, जिसको बस अपना अपना ख्याल है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचना है और सब जाओ भाड़ में, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे और सब जाओ भाड़ में, मतलब सिर्फ अपने से मतलब है, अपना अपना भला, सबका भला, बस अपना भला, जगत का भला, सिर्फ अपना, जो कुछ करना अपने लिए करना, सेल्फ सेंटर्ड हो गया। उसके अलावा क्या बोलेंगे आप, सेल्फिश पर्सन, सेल्फिश पर्सन। वो सारे इंसान क्या हो जाएंगे, इगोइस्ट। इसके सिनोनिम देखो यहाँ पे, इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे, सिनोनिम लिखो इगोसेंट्रिक, इगोटिस्ट हो गया, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा ब्रैगर्ट। ब्रैगर्ट क्या होता है, डिंगे मारना, और क्या हो जाएगा, बोस्टर। बोस्टर भी क्या होता है, डिंगे मारना, सेम हो जाएगा। तो इगोइस्ट के सिनेरियो में क्या क्या हो जाएंगे, इगोसेंट्रिक हो जाएगा, इगोटिस्ट हो जाएगा, ब्रैगर्ट हो जाएगा, बोस्टर हो जाएगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इगोइस्ट के सिनोनिम हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखो नंबर 5 पे है नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड वो यहाँ पे लिखा हुआ अल्टूरिस्ट। अल्टूरिस्ट के सिनोनिम, अल्टूरिस्ट क्या क्या होता है, अल्टूरिस्ट होता है जो इगोइस्ट का अपोजिट होता है, इगोइस्ट क्या होता है, सेल्फिश होता है, और अल्टूरिस्ट क्या हो जाएगा, जो सेल्फिश नहीं होता, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, मतलब रेडी टू हेल्प अदर्स, ए पर्सन जो अनसेल्फिशली जो दूसरों की मदद करेगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा अल्टूरिस्ट। देखो यहाँ पे जो अल्टर टर्म या फिर रूट जो यूज हुआ उसका मतलब होता है अदर, जहाँ पे भी अल्टर आ जाएगा वो मतलब क्या हो जाएगा, अदर, दूसरों के लिए। अब देखो अल्टूरिस्ट, अल्टूरिस्ट क्या होता है, लिखिए ए पर्सन अनसेल्फिशली, ए पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न्ड फॉर, कंसर्न्ड फॉर या फिर डिवोटेड फॉर, कंसर्न्ड फॉर या फिर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, मतलब जो अनसेल्फिशली दूसरों के लिए डिवोटेड रहता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्टूरिस्ट, या फिर आप क्या बोल सकते हो, रेडी टू हेल्प अदर्स, रेडी टू हेल्प अदर्स, जो हमेशा दूसरों को मदद के लिए तैयार रहे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्टूरिस्ट, अल्टूरिस्ट हो जाएगा।
अब देखते हैं इसका सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे। सिनोनिम देखो यहाँ पे, सिनोनिम दिखवाती हूँ। देखो आपको अल्टिस्ट में कैसे कैसे सिनोनिम देखने को मिलेंगे। अनसेल्फिश, अनसेल्फिश हो गया, उसके अलावा बेनिवोलेंस हो जाएगा। बेनिवोलेंस में देखो ये जो बेनी लिखा हुआ है, बेनी जहाँ पे आ जाएगा तो मतलब हो जाएगा गुड। बेनी का मतलब क्या हो जाएगा, बेनी का मतलब हुआ गुड। उसके अलावा लिखिए स्पोर्टर, स्पोर्टर हो गया। उसके अलावा हेल्पर, हेल्पर होगा। उसके अलावा सब्सक्राइबर हो जाएगा। उसके अलावा क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टर हो जाएगा। उसके अलावा आप बोल सकते डोनर हो जाएगा, डोनर एक्सेट्रा। तो ये सारे किसका सिनोनिम है, ये सारे हो जाएंगे हमारे अल्टूरिस्ट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अल्टूरिस्ट क्या होता है, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहे, ऐसी पर्सनैलिटी को क्या कहेंगे, ऐसी पर्सनैलिटी को कहेंगे हम अल्टूरिस्ट। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट टर्म जो देखने को मिल रही होगी आपको, नेक्स्ट टर्म देखने को मिल रही होगी स्टोइक। नंबर सिक्स पे आ रहा होगा स्टोइक। स्टोइक क्या होता है, स्टोइक होता है देखो स्टोइक होता है जिसके अंदर कोई इमोशन ही ना बचा हो, विदाउट एनी इमोशन, जिसने दुनिया से संन्यास ले लिया हो, जिसने दुनिया से सब दुख दर्द सब लग्जरी से संन्यास ले लिया हो, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं स्टोइक की कैटेगरी में। जैसे कि हमारे जो साधु संत होते हैं, भिक्षु होते हैं, मोंक होते हैं, जिन्होंने संन्यास ले लिया, साधु महात्मा, तो ये सारे क्या होते हैं, सारे स्टोइक होते हैं। तो स्टोइक के लिए लिखो आप, स्टोइक में लिखो विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी इमोशन, या फिर क्या लिखोगे आप, अवॉइड लग्जरीज। जो लग्जरीज को अवॉइड करता है वो क्या हो जाएगा, स्टोइक हो जाएगा। या फिर आप लिखोगे नॉट, नो प्लीजर और पेन, जिसको ना प्लीजर का पता ना पेन का पता, वो क्या हो जाएगा स्टोइक हमारा। वो किसकी कैटेगरी में आएगा, वो आएगा हमारा स्टोइक की कैटेगरी में। सिनोनिम देखो इसके क्या क्या लिखेंगे आप, सिनोनिम लिख सकते हो आप इसके, जो नन हो गया और जो मोंक हो गए, जो हमारे भिक्षु होते हैं मोंक, तो वो हो जाएगा नन और मोंक लिख दिया मैंने, दो सिनोनिम एक्सेट्रा। तो जिस हमारे साथ संत महात्मा वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे स्टोइक होंगे। क्या कहेंगे ना उन्हें, हम कहेंगे स्टोइक। तो मैंने कराया आपको पाँच वर्ड, पाँच वर्ड में क्या क्या कराया, फर्स्ट वर्ड कराया एथिस्ट। एथिस्ट क्या होता है, जिसको भगवान में यकीन ही ना हो, एथिस्ट होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं नास्तिक। एथिस्ट क्या होता है, जिसको भगवान में यकीन नहीं होता वो एथिस्ट है। वो जो भगवान को लेकर कन्फ्यूज होता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, वो क्या हो जाएगा, उसे कहेंगे हम एग्नोस्टिक एज ए पर्सनैलिटी को क्या कहेंगे, एग्नोस्टिक पर्सनैलिटी। और एथिस्ट जिसको भगवान में यकीन ना हो, तो एथिस्ट और एग्नोस्टिक है दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, तो इनके जो सिनोनिम होंगे वो दोनों के सिमिलर हो जाएंगे। तो एथिस्ट में देखो मैंने क्या क्या सिनोनिम लिखवा है, कृष्ण देखो फर्स्ट है कृष्णर, पैगन, इनफिडल, फ्री थिंकर, स्केप्टिक और एग्नोस्टिक, ये लिखवा दिया है। और एग्नोस्टिक में क्या लिखवाया, डिसबिलीवर, डाउटर, इनफिडल, स्केप्टिक, अनबिलीवर, एथिस्ट और पैगन। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एग्नोस्टिक के सिनोनिम, दोनों के सिनोनिम सेम रहेंगे। आप इसके सिनोनिम इसमें लिख सकते हैं और इसके इसमें लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या लिखवाया, नेक्स्ट लिखा फैटलिस्ट। फैटलिस्ट क्या होता है, भाग्यवादी, जिसको ये लगता है कि मैं एम पावरलेस हूँ, मेरे पास पावर ही नहीं है, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। सपोज करो कि एक बाइक राइडर है, वो बाइक चलाता है, तो उसने हेलमेट नहीं पहना, उसका मानना ऐसा है, उसकी तर्क बुद्धि है वो ऐसी है कि जो मेरा एक्सीडेंट होना तो होकर ही रहेगा, जो हेलमेट है वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं करता, ये सोचकर वो हेलमेट नहीं पहनता कि हेलमेट उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, हेलमेट पहनने से कुछ नहीं होने वाला है, अगर उसका एक्सीडेंट होगा तो होकर ही रहेगा। जिसकी ऐसी सोच होती है, तो उन ऐसी सोच वालों को कहेंगे फैटलिस्ट। ऐसी सोच वालों को कहेंगे फैटलिस्ट। फैटलिस्ट क्या हो जाएंगे, देखो अब मैंने लिखवा रखा है, एनी वन हु सबमिट्स टू द बिलीफ दैट दे आर पावरलेस टू चेंज देयर डेस्टिनी, भी अपनी डेस्टिनी को चेंज करने में पावरलेस, उनके पास पावर ही नहीं है, दे कांट चेंज। अब देखो इगोइस्ट क्या होता है, ईगो मतलब सेल्फ, मैं हूँ, उसको होता है ना सेल्फिश होता है, तो इसका देखो इसका मीनिंग होता है सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश पर्सन। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा इगोइस्ट, स्वार्थी घमंडी इंसान जो होता है। सिनोनिम देखने को मिलेंगे, ईगो सेंट्रिक है, ईगोटिस्ट है, उसके अलावा बैगल्ट है, उसके अलावा बोस्टर है, उसके अलावा यही लिखवा रखे एक्सेट्रा, ईगो सेंट्रिक, ईगोटिस्ट, ब्रैगल्ट एंड बोस्टर।
ब्रैगट एंड बोस्टर होता है डिंगे मारना, जो डिंगे मारता है, तो ये हो जाएगा इगोइस्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखो अल्टूरिस्ट। अल्टूरिस्ट क्या होता है? अब ये जो हमारा इगोइस्ट और जो अल्टूरिस्ट है, ये दोनों वर्ड एक दूसरे का अपोजिट है। इगोइस्ट क्या होता है? सेल्फिश। तो अल्टूरिस्ट क्या हो जाएगा? जो सेल्फिश नहीं होता, अनसेल्फिश होता है। अल्टूरिस्ट देखो यहाँ पे भी अल्टर रूट यूज हो जाएगा, उसे कहेंगे हम अदर। अल्टर मीन्स अदर। तो अल्टूरिस्ट होता है ए पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर और डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के लिए डिवोटेड होता है, मतलब जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है, इस तरह के जो इंसान होते हैं, उन्हें हम कहेंगे अल्टूरिस्ट। क्या कहेंगे? अल्टूरिस्ट। तो अल्टूरिस्ट का सिनोनिम देखो क्या क्या लिखवा रखे हैं यहाँ पे। मैंने लिखवाया है अनसेल्फिश लिखवाया है, बेनिवोलेंस लिखवाया है। बेनिवोलेंस क्या होता है? बेनी मीन्स होता है गुड, जिनकी बेनी, जहाँ पे भी बेनी रूट यूज हो जाएगा उसका मतलब होगा गुड। नेक्स्ट देखो सपोर्टर हो गया, हेल्पर हो गया, सब्सक्राइबर हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, डोनर हो गया। तो ये किसके सिनोनिम है? ये है अल्टूरिस्ट के सिनोनिम। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखवा रखा है मैंने स्टोइक। स्टोइक क्या होता है? स्टोइक होता है जो जिनको ये कहते हैं ना, जिनको दुनिया से मोह माया नहीं रही, जो मोह माया के चक्कर में नहीं फंसते, जिन्होंने संसार को त्याग दिया हो, जो हमारे साथ संत महात्मा होते हैं, वो क्या होते हैं? वो स्टोइक की कैटेगरी में आ जाते हैं। स्टोइक क्या होगा? इसको पेन और प्लेजर का पता ही नहीं, दुख क्या है, सुख क्या है, प्लेजर क्या है, आनंद क्या है, उस उनको दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं होता। तो इस तरह की पर्सनैलिटी क्या होती है? स्टोइक होती है, विदाउट एनी इमोशंस, के पास कोई इमोशन ही नहीं, विद अवॉइड लग्जरीज, जो लग्जरी को अवॉइड करते हैं। दूसरा नॉट नो प्लेजर और पेन, जिनको प्लेजर और पेन के बारे में पता ही नहीं है, उन सबसे दूर है, प्लेजर से ही पेन से भी। तो सिनोनिम देखो यहाँ पे नन है, मॉन्क है, और ये मैंने सिनोनिम यहाँ पे लिखवाए हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है सिक्स नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर सेवन पे शोविनिस्ट। शोविनिस्ट, शोविनिस्ट क्या हो जाएगा? देखो हो सकता है कुछ बच्चे इसका शोविनिस्ट प्रोनाउंस करें, देखो मैंने प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिख दिया शोविनिस्ट। शोविनिस्ट होता है अंधभक्त, उग्रवादी, अंतर्राष्ट्रीयवादी, मतलब जिसको अपनी कंट्री से इतना प्रेम है, वो अपनी कंट्री की हमेशा प्रशंसा करता रहता है। लिखो स्पोर्ट आवर कंट्री, जो हमेशा अपने कंट्री को सपोर्ट करेगा, और एडमायर आवर कंट्री एंड रेसिस। रेसिस क्या होते हैं? जो जाति धर्म जाति होती है, जो उनको सपोर्ट करेगा, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम शोविनिस्ट। क्या कहेंगे? शोविनिस्ट। लेकिन जो कंट्री के प्रेम में इतना अंधा है कि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा, उसको लगता है कि हम सुपीरियर हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है, वो जो किसी को सुपीरियर मान ही नहीं सकता, जो आँख बंद करके एकदम से कंट्री में बिलीव कर रहा है, अंधभक्त होके मतलब बिलीव कर रहा है कि हमारे देश से बढ़कर कोई नहीं, हमारे यहाँ के लोगों से बढ़कर कोई और, कहीं और के देश नहीं, कहीं और के लोग नहीं हैं, हमारे यहाँ की जो सेना है उनसे बढ़कर कोई और सेना ही नहीं है, जो अपनी कंट्री को इतना एक तरीके से इतना एडमायर कर रहा है, तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे हम शोविनिस्ट, उन्हें कहने वाले हैं शोविनिस्ट। अब देखो बुक में, देखो बुक में शोविनिस्ट के लिए क्या टर्म यूज़ कर रखी है? बुक में शोविनिस्ट के लिए लिखा हुआ है आर यू एप्ट टू से, एप्ट होता है आपत्ति, नो अदर नेशन कैन होल्ड ए कैंडल, मतलब कोई भी किसी भी कंट्री की कंपेयर नहीं की जा सकती हमारे कंट्री से, हम ही सुपरमैन हैं और हमारी यहाँ की जो रेस है उनसे बेटर कहीं और की है ही नहीं, एक दिन वे सारी रेसेस हमारे एकदम स्लेव होंगी। ठीक है, तो एक ज्योतिष प्रेम में अंधा होता है उसे हम क्या कहेंगे? शोविनिस्ट। समझ में आ गया होगा। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है जिंगोइस्ट। देखो नंबर एट पे आ जाएगा जिंगोइस्ट। जिंगोइस्ट क्या होता है? जो एक तरीके से मोनोपोली चाहता है, मोनोपोली मतलब उसका ही शासन हो, मतलब जो कंट्री के ऊपर क्या चाहता है? मोनोपोली चाहता है। लिखो वन हु मोनोपोली आवर कंट्री, जो अपनी कंट्री पर मोनोपोली चाहता है, और क्या लिखेंगे आप? वन हु वांट टू मोनोपोलाइज ऑल द नेशन,
जो सभी नेशन में क्या जाएगा, जो भी नेशन में जाएगा मोनोपोली। आप देखो थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा बुक में से रीड करके दिखाती हूँ, समझाती थोड़ा बुक में से। बुक में देखो नंबर 8 पे देखने को मिल रहा होगा मोनोपोली, मतलब जो इतनी डींगे मार रहा है कि जो हमारी कंट्री है उसके पास पावर है। क्या है हमारे कंट्री के पास ही पावर है, सबसे अच्छी पावर हमारे कंट्री के पास। देखो यू आर ऑल यू, हाँ डू यू ऑलवेज वांट योर नेशन टू बी यूज फोर्स, डू यू वांट टू कॉल आउट द आर्मी, अपने आर्मी को बुलाया है, नेवी को बुलाया है, एयर फोर्स को बुलाया है, ओके ऑन द लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, लाइटेस्ट सेम प्रोवोकेशन पर, एंड सेंड अ प्रोवोकेशन होता है भड़काना, एक तरीके से प्रोवोक होता है भड़काना, तो प्रोवोकेशन है ठीक है। एंड अवर सेंड अवर सोल्जर्स एंड सेलर्स अराउंड द वर्ल्ड टू शो दोज डायमन फोर्जनर्स हु आर द बॉस, की बॉस कौन है। डू द अदर नेशन वॉन्ट वार, क्या हम ही पूछ रहे हैं कि क्या जो दूसरे देश है वो हमसे युद्ध चाहता है। अगर वो युद्ध नहीं चाह रहा फिर भी हम उन्हें क्या कह रहे हैं, हम उन्हें उकसा रहे हैं तरीके से कि हम आपसे युद्ध चाहते हैं, आपसे युद्ध चाहते हैं, और वहाँ पर अपनी आर्मी भेज देते हैं, इस तरह की जो हरकतें करता है। तो हम क्या कहेंगे, जिंगोइस्ट, जो और दूसरे नेशन पर भी क्या चाह रहा है, और दूसरे नेशन से भी मोनोपोली चाह रहा है। और एनी भी ठीक है, देखो समझ में आएगा जिंगोइस्ट क्या होता है, जिसको ये लगा लेते हैं जैसे पूरी नेशन पर, सभी नेशन पर मोनोपोली करनी है, और जो कंट्री के ऊपर क्या चाहता है मोनोपोली करना चाहता है उसे क्या कहेंगे, जिंगोइस्ट पर्सनैलिटी कहेंगे। देखो देखो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड देखने को मिल रहा होगा नंबर 9 पे, नंबर 9 पे लिबरल, लिबरल लिबरल क्या होता है, लिबरल होता है उदारवादी। तो लिबरल वर्ड क्या हो जाएगा, लिबरल का मतलब होता है जो आज की दुनिया के अनुसार चलता है, जो पुराने रीति रिवाज होते हैं उनको नहीं मानता, जो जो पुराना पुराने जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको फॉलो नहीं करता, और जो पुराना सेट क्राइटेरिया था हमारा उसको क्या करता, उसको एनालाइज नहीं करता, जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग चलता है, खुद के दिमाग से चलता है। तो ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे, लिबरल, क्या कहेंगे लिबरल। आप लिखो यहाँ पे लिबरल के बारे में, आप कह सकते हो लिबरल क्या होता है, ओपन माइंडेड, क्या कह सकते हैं आप, जो क्या नहीं होता, जो ट्रेडिशनल नहीं है, नॉट नॉट ट्रेडिशनल, जो पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानता ठीक है। या फिर से क्या कहेंगे आप, कह सकते हो ब्रॉड माइंडेड जो होता है, लिखो ब्रॉड माइंडेड, जो खुद के दिमाग से चल रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं है कि हमारे कस्टम्स जो हमारे पुराने रीति रिवाज वो क्या है, तो अपने हिसाब से चल रहा है। और देखो इसके लिए आप लिख सकते हो समवन हु, समवन हु बिलीव्स, समवन हु बिलीव्स इन पर्सनल फ्रीडम, जिसको अपनी पर्सनल फ्रीडम में क्या है, बिलीव है, एंड दैट सोसाइटी शुड चेंज, चेंज ग्रेजुअली, सो दैट मनी प्रॉपर्टी एंड पावर आर शेयर्ड मोर फेयरली। जो हमारा समाज दुनिया के हिसाब से जो चल रहा है, जिसको पुराने कस्टम से कुछ नहीं लेना देना, जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, तो क्या कहेंगे हम, लिबरल पर्सनैलिटी। अब देखो इसका सिनोनिम क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको, सिनोनिम देखो, देखो सिनोनिम लैविश हो जाएगा, सिनोनिम में इसका लैविश देखने को मिलेगा, और बेनिफिशियंट देखने को मिलेगा, और आपको मिलेगा प्रोग्रेसिव। उसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा ब्रॉड माइंडेड, तो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया भी येरा ब्रॉड माइंडेड। इसके अलावा आप लिखिए जनरस, उसके अलावा जनरस के अलावा लिखिए बेनिवोलेंट, उसके अलावा लिखिए अनडिमांडिंग। तो सारे सिनोनिम किस में देखने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे आपको लिबरल में। लिबरल समझ में आ गया, और लिबरल अच्छे से, अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं,
अगर आपको मेरी वोकैबुलरी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए साथ साथ, और बने रहिए मेरे साथ। अब हमारे रहते हैं 2 वर्ड, और तब तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आपको किसी भी वर्ड में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए, और आपको कुछ भी आप चेंज चाहते हैं कि मैं ऐसे नहीं ऐसे और दूसरे तरीके से पढ़ाऊँ तो भी आप मुझे बता सकते हैं साथ साथ। अब देखो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, कंजर्वेटिव। देखो बुक में लिखा हुआ है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या होएगा, जो एक तरह से जो परंपरावादी लोग होते हैं ना, रूढ़िवादी होते हैं, परंपरावादी होते हैं कि भाई हमारी ये परंपरा है, हम तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो वे किस कैटेगरी में जाएंगे, वे होते हैं कंजर्वेटिव, चाहे दुनिया कहेंगी कहीं जाए। मतलब जो लिबरल का अपोजिट होता है वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा कंजर्वेटिव। लिबरल का अपोजिट क्या होगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। कंजर्वेटिव क्या कौन से लोग होते हैं, जो एक तरह से परंपरावादी होते हैं और जो रूढ़िवादी आप बोल सकते हो कि हम तो अपनी परंपरा के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमारी परंपरा ऐसे हमारे पूर्वज करते आ रहे थे और ये हमारी परंपरा है। आप ऐसे सोच वालों के लिए क्या लिखेंगे, नैरो माइंडेड, कि इनकी सोच इतनी लिमिटेड है, नैरो माइंडेड। इसके अलावा जिसको कोई चेंज पसंद ही ना हो, नॉट लाइकिंग चेंज, जैसे हम बोलते हैं ना इसकी सोच तो पुराने टाइप की है, पुरानी सोच है, दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, और इसकी सोच वहीं की वहीं पड़ी है, तो ऐसी कैटेगरी के लोग कहाँ जाएंगे, ऐसे कैटेगरी के लोग आएंगे कंजर्वेटिव कैटेगरी में। क्या लिखा मैंने, नैरो माइंडेड और नॉट लाइकिंग चेंज, जिसको चेंज पसंद ही ना हो, किसी भी चीज़ में मॉडिफिकेशन पसंद ना हो। इसका सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे ऑर्थोडॉक्स। क्या हो जाएगा, ऑर्थोडॉक्स जो एक चीज़ का विरोध करते हैं, आप क्या बोल सकते हो, बोलेंगे ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल जो लोग होते हैं वो क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल। इसके अलावा क्या बोलेंगे, टिमिड। इसके अलावा क्या बोलेंगे, मॉडरेट। तो ये सारे सिनोनिम आपको कंजर्वेटिव के देखने को मिल सकते हैं। तो कंजर्वेटिव समझ में आ गया, जो परंपरावादी रूढ़िवादी लोग होते हैं, जो कंजर्वेटिव है और जो हमारे लिबरल है, वो एक दूसरे का अपोजिट है। अब देखो नंबर 10 हो गया, नंबर 11 पे क्या देखने को मिलेगा आपको, इपिक्यूरियन। इपिक्यूरियन का क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप, माइंड हर्टेड सोल। आप बोलोगे माइंड हर्टेड सोल, क्या बोला, माइंड हर्टेड सोल, जो किसको दिखाएंगे, जो दे डिस्प्ले कर रहे हैं लग्जरी को। देखो डिस्प्लेइंग लग्जरी एंड फर्निशिंग ग्रेटिफिकेशन टू द सेंसेस, या फिर क्या बोलेंगे, डिवोटेड टू लग्जरीज, जो किसको डिवोटेड है, जो सिर्फ लग्जरी और प्लेजर को डिवोटेड है, जिसको प्लेजर और लग्जरी से ही मतलब है। तो इस तरह के लोग क्या हो जाएंगे, इस तरह के लोग एपिक्यूरियन हो जाएंगे। सिनोनिम देखो क्या क्या देखने को मिलेगा, सिनोनिम यहाँ पे लग्जरियस हो गया, और लश हो जाएगा, और गॉर्मेट हो जाएगा, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बुक देखो, बुक में लिखा हुआ पेज नंबर 49 पे तो टॉपिक था 49 के अलावा आपको देखने को मिलेगा। देखो बुक ये देखो, यहाँ पे देखो नंबर 11 पे क्या लिखा हुआ है। देखो जिनको क्या चाहिए, मैक्सिमम प्लेजर एंड मिनिमम पेन। जिनको मैक्सिमम प्लेजर से मतलब है, जिनको पेन से कोई मतलब नहीं है, मिनिमम ऑफ पेन और मैक्सिमम ऑफ प्लेजर, तो इस तरह कैटेगरी के लोग जाएंगे इपिक्यूरियन। क्या हो जाएंगे, इपिक्यूरियन। देखो व्हाट टाइप ऑफ लाइफ इज बेस्ट, किस तरह की लाइफ बेस्ट है, टू वन ग्रुप ऑफ थिंकर्स, जो एक ग्रुप के थिंकर्स के अकॉर्डिंग सच ए क्वेश्चन हैज ए सिंपल आंसर, का एक ही आंसर है दैट लाइफ इज मोस्ट सक्सेसफुल होनी चाहिए। सक्सेसफुल का मतलब क्या है, कि लाइफ में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्लेजर होना चाहिए और मिनिमम क्या होना चाहिए, पेन। ठीक है, तो इस तरह के लोग क्या हो जाएंगे, इस तरह के लोग हो जाएंगे हमारे एपिक्यूरियन टाइप के लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने करा दिया था 5-6 वर्ड का रिवीजन। अब देखो नंबर 7 वर्ड पे हमारा आता है शोविनिस्ट। शोविनिस्ट क्या होता है, जो अंधभक्त होते हैं, अपने देश से जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने देश की बुराई सुन ही नहीं सकते,
जिनको लगता है कि हम ही बेस्ट है, हम ही सुपीरियर, हमसे ऊपर कोई नहीं है, तो उस तरह कैटेगरी के लोग जाएंगे हमारे शोविनिस्ट में, जो देश प्रेम में पागल एक तरीके से, जो ये मानते हैं जो हमारे यहाँ के जितने भी जाति उनके लोग अगर सबसे श्रेष्ठ हैं, और एक दिन हमारे यहाँ के लोग दूसरे देश पे राज करेंगे और दूसरे देश के लोग एक दिन हमारे स्लेव होंगे, ठीक है, तो वो जाएंगे शोविनिस्ट। सपोर्ट अवर कंट्री, जो अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, एडमायर अवर कंट्री, अपने कंट्री को एडमायर कर रहे हैं, और यहाँ की रेसिस को, मतलब यहाँ की जातियों को, ठीक है। और दूसरा जो ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ की आर्मी दी बेस्ट है, या हमारे यहाँ की आर्मी से बेस्ट कुछ है ही नहीं, आर्मी की एक तरीके से कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की आर्मी अच्छी है और दूसरे देशों की आर्मी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो हो जाएंगे शोविनिस्ट पर्सनैलिटी के लोग। अब देखो नंबर 8 पे जिंगोइस्ट। जिंगोइस्ट क्या होते हैं? वन हु मोनोपोली अवर अवर कंट्री, सॉरी अवर नहीं, ओवर है, जो कंट्री के ऊपर मोनोपोली करना चाहते हैं, जो मतलब पूरे के पूरे नेशन पे क्या चाहते हैं, मोनोपोली करना चाहते हैं, जिनको लगता है जो कुछ है हम ही हम हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है, एक तरह से जो डिंगे मारते हैं, ठीक है, क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे जिंगोइस्ट। जिंगोइस्ट हो जाएंगे जो एक तरह से डिंगे मारते रहते हैं, और उनको लगता है कि हम एक तरीके से, मतलब जैसे जो जिंगोइस्ट कैटेगरी के लोग होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ये क्या कर रहे हैं, मतलब कहीं भी मोनोपोली करके कहीं भी आर्मी भेज दी, कहीं भी नेवी भेज दी, कहीं भी एयरफोर्स भेज दी, और दूसरे देश को चैलेंज कर रहे हैं कि भाई क्या आप हमसे युद्ध चाहते हो। अगर वो दूसरा कंट्री अगर मना भी कर रहा है, सामने वाला नेशन मना कर रहा है कि भाई हम आपसे युद्ध नहीं चाहते, तब भी क्या कह रहे हैं कि हम ही आपसे युद्ध चाहते हैं, हम आपसे युद्ध चाहते हैं, उस तरह के लोग होते हैं ऐसी मानसिकता के, उन्हें क्या कहेंगे, जिंगोइस्ट पर्सनैलिटी। देखो लिबरल, लिबरल होता है उदारवादी, ओपन माइंडेड, चीज़ों जो मतलब ट्रेडिशनल नहीं होते, जो ट्रेडिशनल नहीं होते, जो टाइम के साथ साथ चेंज आ जाते हैं जिनमें, ब्रॉड माइंडेड, जो जैसे कुछ लोग मानते हैं कि हमारी परंपरा ऐसी है, हमारी परंपरा है कि भाई हमारी परंपरा में लड़कियों को पढ़ाना नहीं होता, लड़कियों की शादी जल्दी कर देते हैं 18 की उम्र में, 18 से पहले 16 की उम्र में, तो मतलब कुछ लोगों की सोच ऐसी पुरानी होती है, ओल्ड ओल्ड थिंकर बोल सकते हो, जो ट्रेडिशनल नहीं होते, नॉट ट्रेडिशनल, तो क्या हो जाएंगे, वो होंगे लिबरल, ठीक है, इससे अगर लोग हो जाएंगे लिबरल, ब्रॉड माइंडेड, जो अपने दिमाग से चलते हैं। उसमें से उन्होंने लिखवाए हैं लश लिखवाया है, लेविस लिखवाया है, नहीं लश नहीं, लेविस लिखवाया है, बेनिफिशेंट लिखवाया है, प्रोग्रेसिव लिखवाया है, जेनरस लिखवाया है, बेनिवोलेंट लिखवाया है, एंड अनडिमांडिंग यहाँ पे लिखवाया है मैंने। उसके बाद देखो नेक्स्ट टर्म है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव होते हैं जो परंपरावादी लोग होते हैं, जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, कंजर्वेटिव जो अपनी परंपरा के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो हमारा कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव यहाँ पे लिबरल का अपोजिट है, लिबरल कंजर्वेटिव का अपोजिट है, और कंजर्वेटिव लिबरल का यहाँ पे अपोजिट है। तो कंजर्वेटिव क्या हो जाएंगे, नैरो माइंडेड, जिनकी सोच लिमिटेड है, नॉट लाइकिंग चेंज, जिनको चेंज पसंद नहीं है, इन्होंने हो जाएंगे यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल हो जाएगा, टिमिड हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, तो ये सारे किसके हो जाएंगे, सिनोनिम, कंजर्वेटिव के सिनोनिम यहाँ पे हो जाएंगे। और नेक्स्ट वर्ड है एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन क्या होता है, एपिक्यूरियन का मतलब है माइंड हर्टेड सोल, मतलब जो लग्जरी को डिस्प्ले करेंगे, एंड जिनको सिर्फ क्या चाहिए, मतलब जो सिर्फ लग्जरी को डिवोटेड है, उनको लगता है लग्जरी है तो सब कुछ है, मतलब उनको मैक्सिमम लग्जरी चाहिए और मिनिमम क्या चाहिए, मिनिमम पेन चाहिए, जो इस तरह की कैटेगरी लोग होते हुए हो जाएंगे हमारे एपिक्यूरियन, माइंड हर्टेड सोल हो जाएंगे, एपिक्यूरियन हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिनोनिम लिखवाया मैंने, देखो लग्जरीज लिखवाया, लश लिखवाया, गवर्नमेंट लिखवाया है, एक्सेट्रा। तो ये हो गए आज के 11 वर्ड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।